बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर प्रदीप जना, केमिस्ट्री वाला। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कॉफी कप कैलोरीमीटर क्या होती है, इसमें डेल्टा एस की मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। बच्चे सबसे पहले देखो कि जो कॉफी कप कैलोरीमीटर होता है, कैलोरी मीटर होते हैं, कैलोरी मीटर होता है जिसमें हमें एंथैल्पी को या एनर्जी को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते। सो कॉफी कप कैलोरीमीटर, कैलोरी मतलब एनर्जी, एनर्जी को मेजर करने के लिए एक तरह का कॉफी कप को यूज करते हैं जो कि पॉलीस्टाइरीन से बना होता है। किससे बना होता है? पॉलीस्टाइरीन आप कह लो, एक नहीं वो कप की तरह होती है, या पॉलीथीन बटल भी आप कह लो, एक नहीं इसको हम कह सकता हूं कि पॉलीस्टाइरीन या पॉलीथीन, और जिसमें ऊपर क्या होती है ना, कैप की टाइप का हम लगा देते हैं ताकि एनर्जी वेस्ट ना हो जाए, इसलिए इसको एक इसको बंद कर अपने से। अब हम बात करते हैं कि बच्चे देखो कि मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच, आपको पता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी, इसका मतलब क्या है ना, एंथैल्पी चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। So, constant pressure का मतलब है कि एंथैल्पी जो होती है वह एनर्जी होती है जो प्रेशर को कांस्टेंट रखे, किसी भी प्रोसेस का जब हम मेजर करते हैं उस कंडीशन हम कहते हैं कि एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। सपोज मैं एक बात करता हूं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन NaOH प्लस HCl क्या देगा ना, NaCl सॉल्ट देगा प्लस वाटर देगा। तो ये हो गया आपकी सॉल्ट है, ये आपका हो गया वाटर है, ये आपकी हो गया बेस है, ये आपका हो गया एसिड। तो सपोज इसका कंसेंट्रेशन मुझे दिया 0.5 मोलर और ये 100 ml की है NaOH, और एसिड भी सेम उसी तरह का है, 0.5 मोलर 100 ml है। तो इन दोनों का जब मैं मिक्स करूंगा बच्चे देखो कि NaCl बनेगा, और इन जो प्रोसेस है जो न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होगी ना, कितनी एनर्जी ऑब्जर्व या इवन होगा उसको मेजर करना है। इसीलिए हम क्या करेंगे ना, कॉफी कप कैलोरीमीटर को यूज करते हैं जो कि इस प्रोसेस की जो एंथैल्पी है वो मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच को हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, काउंट करते हैं। समझ आए? अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है ना, एक जो है दो बीकर है, सपोज मेरे पास एक में मेरे पास क्या है ना, एक में मेरे पास है NaOH 100 ml है और 0.5 मोलर है, ठीक है इस टाइप से। दूसरा जो बच्चे मेरे पास है HCl है, ठीक है, आप डायग्राम में मत जाइए अभी, 0.5 मोलर और 100 ml, क्लियर। दोनों को सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, वाटर बाथ में रखूंगा ताकि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। जब सेम हो जाएगा तो मैं एक पॉलीस्टाइरीन कप के अंदर दोनों चीज को क्या करूंगा ना, इंसर्ट कराऊंगा, इसके अंदर डाल दूंगा, और यहां पे एक थर्मोमीटर जो कि है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए रखा गया है, ठीक। सो पहले मैंने क्या किया ना, NaOH को डाल दिया है इसके अंदर, फिर से HCl को डाल दिया है, ठीक है। तो दोनों को NaCl को डाला, सॉरी NaOH को डाला, फिर HCl को डाल दिया। जब दोनों को डाल दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, NaCl बनेगा प्लस वाटर बनेगा, प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो उस कंडीशन में हमें एंथैल्पी को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है ना, Q is equal to m into C into delta T। तो इस फॉर्मूला को मुझे यूज करना है, Q हो गया है हीट है, बाकी QP में कह सकता हूँ, यहाँ पे लिखा हूँ डेल्टा एच इज इक्वल टू QP है, m हो गया मास ऑफ सब्सटेंस है, सी हो गया आपकी हीट कैपेसिटी है, और डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर, चाहे वो राइज हो सकता है या फॉल भी हो सकता है। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये बच्चों देखो कि कॉफी कप कैलोरीमीटर का क्या है, ये प्रोसेस है कि एंथैल्पी को कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप मेजर कर सकते हो, क्लियर। तो इसलिए हम देखते हैं इस टाइप से एक क्वेश्चन भी आज हम करेंगे, एक नहीं इसके ऊपर कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, किस टाइप से हम सॉल्व करते हैं। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन को हम करते हैं कॉफी कप कैलोरीमीटर के ऊपर। हम देखते हैं
क्वेश्चन दिया है कि व्हेन 20 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज डिसॉल्व इन 125 ग्राम ऑफ वाटर इन ए कॉफी कप कैलोरीमीटर द टेंपरेचर फॉल्स फ्रॉम टू 96 केल्विन टू 86 केल्विन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। बच्चे देखो सबसे पहले हीट कैपेसिटी निकालने का फार्मूला हमारे पास है क्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी लिख दिया बच्चे। अब मुझे देखना है कि मास ऑफ सब्सटेंस कितनी है ना, यहाँ पे वाटर का मास लेंगे क्योंकि ऑलरेडी वाटर जो है 125 ग्राम है इंटू सी हो गया बच्चे। देखो हीट कैपेसिटी कितनी है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है जिसमें दिखाया दिया है 4.184 है जूल इंटू डेल्टा टी। मैं यहाँ पे निकाल दूंगा बच्चों, देखो यहाँ पे कितना है 296 माइनस 286 इक्वल टू 10 केल्विन, तो डिफरेंस हो गया 10 है। इन सब को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 125 इंटू 4 इंटू 10। अगर मैं इसको थोड़ा सा राउंड अप कर दूं तो दैट मीन्स कितना होगा ना 125 इंटू 4 कितना हो गया 500। तो 500 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 5000 जूल। दिस इज द व्हाट ना आपका क्या आ गया ना, इसमें हीट कितना है, क्यूपी कितना है, क्लियर। इसलिए बच्चे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और दूसरे तक शेयर करना भी नहीं भूलना। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैन केमिस्ट्री वाला, थैंक यू सो मच इस चैनल को वॉच करने के लिए।